रंगों का, ढेर सारी खुशियों का, माँ के बनाए पकवानों का और रंग बिरंगी पिचकारियों का। ये त्योहार है गीतों की बहार का, ये त्योहार है होली का। नमस्कार, बीसीएन न्यूज की होली स्पेशल शो में मैं दिशा आपका स्वागत करती हूँ। सबसे पहले तो मेरी और बीसीएन की पूरी टीम की ओर से आप सभी दर्शकों को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। वैसे तो भारत देश त्योहारों का देश है। यहाँ भिन्न जाति के लोग भिन्न भिन्न त्योहार को बड़े उत्साह से मनाया करते हैं और इन्हीं त्योहार में एक त्योहार है होली। भारत में सामान्यतः त्योहार हिंदी पंचांग के अनुसार मनाए जाते हैं। इस तरह होली फाल्गुन माह की पूर्णिमा को मनाई जाती है। यह त्योहार बसंत ऋतु के स्वागत का त्योहार भी माना जाता है। होली से जुड़ी कई मान्यताएं प्रसिद्ध है जिनके बारे में आज के इस एपिसोड में मैं और क्षितिजा आपको जानकारी देंगे। होली भारत का बहुत ही लोकप्रिय और हर्षोल्लास से परिपूर्ण त्यौहार है। लोग चंदन और गुलाल से होली खेलते हैं। लोगों का विश्वास है कि होली के चटक रंग ऊर्जा, जीवंतता और आनंद की सूचक है। होली की पूर्व संध्या पर बड़ी मात्रा में होलिका दहन किया जाता है और लोग अग्नि की पूजा करते हैं। वैसे तो हर त्यौहार की अपनी एक कहानी होती है जो धार्मिक मान्यताओं पर आधारित होती है। वैसे ही होली के पीछे भी एक कहानी है। प्रह्लाद से जुड़े एक कविदंत के अनुसार तभी से होली का त्यौहार आरंभ हुआ था। प्रह्लाद ईश्वर को समर्पित एक बालक था, परंतु उसके पिता ईश्वर को नहीं मानते थे। वह बहुत ही दंभी और क्रूर राजा थे। तो कहानी कुछ इस तरीके से आगे बढ़ती है कि प्रह्लाद के पिता एक नास्तिक राजा थे और उनका ही पुत्र हर समय ईश्वर का नाम जपता रहता था। इस बात से आहत होकर वह अपने पुत्र को सबक सिखाना चाहते थे। उन्होंने अपने पुत्र को समझाने के सारे प्रयास किए, परंतु प्रह्लाद में कोई परिवर्तन नहीं आया। जब वह प्रह्लाद को बदल नहीं पाए तो उन्होंने उसे मारने की सोची। इसलिए उन्होंने अपनी बहन की मदद ली। उनकी बहन को यह वरदान प्राप्त था कि यदि वह अपनी गोद में किसी को भी लेकर अग्नि में प्रवेश करेगी तो स्वयं उसे कुछ नहीं होगा, परंतु उसकी गोद में बैठा व्यक्ति भस्म हो जाएगा। राजा की बहन का नाम होलिका था। होलिका ने प्रह्लाद को जलाने के लिए अपनी गोद में बिठाया, परंतु प्रह्लाद के स्थान पर वह स्वयं जल गई और हरिओम का जाप करने एवं ईश्वर को समर्पित होने के कारण प्रह्लाद की आग से रक्षा हो गई और वह सुरक्षित बाहर आ गया। इसी तरह प्रजा ने हर्षोल्लास से उस दिन खुशियां मनाई और आज तक उस दिन को होलिका दहन के नाम से मनाया जाता है और अगले दिन रंगों से इस दिन को मनाया करते हैं। इस कहानी में होलिका भूतकाल की बोझ का सूचक है जो प्रह्लाद की निश्चलता को जला देना चाहती थी, परंतु नारायण भक्ति से गहराई तक जुड़े हुए प्रह्लाद ने सभी पुराने संस्कारों को स्वाहा कर दिया और फिर नए रंगों के साथ आनंद का उद्गम हुआ। जीवन एक उत्सव बन जाता है जब भूतकाल को छोड़कर हम एक नई शुरुआत की तरफ बढ़ते हैं। हमारी भावनाएं आग की तरह हमें चला देती है, परंतु जब रंगों का फव्वारा फूटता है तब हमारे जीवन में आकर्षण आ जाता है। अज्ञानता में भावनाएं एक बोझ के समान होती है, जबकि ज्ञान में वही भावनाएं जीवन में रंग भर कर देती है। सभी भावनाओं का संबंध एक रंग से होता है, जैसे कि लाल रंग क्रोध से, हरा ईर्ष्या से, पीला पुलकित होने या प्रसन्नता से, गुलाबी प्रेम से, नीला रंग विशालता से, श्वेत शांति से और केसरिया संतोष त्याग से एवं बैगनी ज्ञान से जुड़ा हुआ है। होली का त्यौहार पूरे भारत में मनाया जाता है, लेकिन उत्तर भारत में इसे अधिक उत्साह से मनाया जाता है। होली का त्यौहार देखने के लिए ब्रज, वृंदावन, गोकुल जैसे स्थानों पर लोग जाते हैं। इन जगहों पर यह त्यौहार कई दिनों तक मनाया जाता है। ब्रज में ऐसी प्रथा है जिसमें पुरुष महिलाओं पर रंग डालते हैं और महिलाएं उन्हें डंडे से मारती है। यह एक बहुत ही प्रसिद्ध प्रथा है जिसे देखने लोग उत्तर भारत जाते हैं। कई स्थानों पर फूलों की होली भी मनाई जाती है और गाने बजाने के साथ सभी एक दूसरे से मिलते हैं और खुशियां मनाया करते हैं। मध्य भारत एवं महाराष्ट्र में रंग पंचमी का अधिक महत्व है। लोग टोली बनाकर रंग गुलाल लेकर एक दूसरे के घर जाते हैं और एक दूसरे को रंग लगाते हैं और कहते हैं पुराना मानो होली है। मध्य भारत के इंदौर शहर में होली की कुछ अलग ही धूम होती है। इसे रंग पंचमी की गैर कहा जाता है, जिसमें पूरा इंदौर शहर एक साथ निकलता है और नाचते गाते त्योहार का आनंद लिया जाता है। हरियाणा की धुलंडी में भाभी द्वारा देवर को सताए जाने की प्रथा प्रचलित है।
विभिन्न देशों में बसे हुए प्रवासियों तथा धार्मिक संस्थाओं जैसे इस्कॉन या वृंदावन के बाकी बिहारी मंदिर में अलग अलग तरीके से होली के श्रृंगार व उत्सव मनाया जाता है, जिसमें अनेक समानताएं भी और अनेक भिन्नताएं हैं। इस तरह के आयोजन के लिए 15 दिन पहले से ही तैयारियां की जाती है। रंगों के इस त्योहार को फाल्गुन महोत्सव भी कहा जाता है। इसमें पुराने गीतों को ब्रज की भाषा में गाया जाता है। भांग का पान भी होली का एक विशेष भाग है। नशे के मदमस्त होकर सभी एक दूसरे से गले लगते हैं और सारे गिले शिकवे भूल कर सभी एक दूसरे के साथ नाचते गाते हैं। होली पर घरों में कई पकवान बनाए जाते हैं। स्वाद से भरे हमारे देश में हर त्योहार में विशेष पकवान बनाए जाते हैं। इस दिन लोग प्रातः काल उठकर रंगों को लेकर अपने नाती रिश्तेदारों व मित्रों के घर जाते हैं और उनके साथ जमकर होली खेलते हैं। बच्चों के लिए तो यह त्योहार विशेष महत्व रखता है। वह एक दिन पहले से ही बाजार से अपने लिए तरह तरह की पिचकारियां व गुब्बारे लाते हैं। बच्चे गुब्बारे व पिचकारी से अपने मित्रों के साथ होली का आनंद उठाते हैं। होली पर प्रेमी प्रेमिका के अलावा पिता, पुत्र, भाई, बहन, देवर, भाभी सभी लोग अपने रिश्तों को मजबूत करने के लिए रंग लगाते हैं। भक्त प्रहलाद ने भी भगवान विष्णु जी को रंग लगाकर अपनी भक्ति को पहले से ज्यादा मजबूत किया और सभी में प्रेम का संदेश दिया। होली पर हमें संकल्प करना चाहिए कि हम कोई गलत कार्य न करें। सभी लोग प्रेम भाव से एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहे। होली रंग का त्योहार है, पर सावधानी से मनाया जाना जरूरी है। आजकल रंग में मिलावट होने के कारण कई नुकसान का सामना करना पड़ता है, इसलिए गुलाल से होली मनाना ही सही होता है। साथ ही भांग में भी अन्य नशीले पदार्थों का मिलान भी आम है, इसलिए इस तरह की चीजों से बचना बहुत जरूरी है। गलत रंग के उपयोग से आंखों की बीमारी होने का भी खतरा बढ़ रहा है, इसलिए रसायन मिश्रित वाले रंग के प्रयोग से बचे। घर से बाहर बनी कोई भी वस्तु खाने से पहले सोचे, मिलावट का खतरा त्योहार में और अधिक बढ़ जाता है। सावधानी से एक दूसरे को रंग लगाएं। अगर कोई ना चाहे तो जबरदस्ती ना करें। होली जैसे त्योहारों पर लड़ाई झगड़ा भी बढ़ने लगा है। जीवन रंगों से भरा होना चाहिए। प्रत्येक रंग अलग अलग देखने और आनंद उठाने के लिए बनाए गए हैं। यदि सभी रंगों को एक में मिलाकर देखा जाए तो वे सभी काले दिखेंगे। लाल, पीला, हरा आदि सभी रंग अलग अलग होने चाहिए, पर साथ ही हमें इनका आनंद भी एक साथ उठाना चाहिए। इसी प्रकार व्यक्ति द्वारा जीवन में निभाई जाने वाली भूमिकाएं उसके भीतर शांतिपूर्ण एवं पृथक रूप से अलग अलग विद्यमान होनी चाहिए। उदाहरण के लिए यदि कोई व्यक्ति अपनी पिता वाली भूमिका कार्यालय में भी निभाने लगे तो भगवान ही मालिक है। पर हमारे देश में कभी कभी नेता पहले पिता बनकर और बाद में नेता बनकर सोचते हैं। हम चाहे जिस भी परिस्थिति में हो, हमें अपने योगदान 100% देना चाहिए और तब हमारा जीवन रंगों से भरा रहेगा। प्राचीन भारत में इसी संकल्पना को वर्णाश्रम कहा गया है। इसका अर्थ है प्रत्येक व्यक्ति चाहे वह डॉक्टर, अध्यापक, पिता या कुछ और हो, उसे वह भूमिका पूरे उत्साह के साथ निभाने की अपेक्षा की जाती है। होली रंगों का त्योहार है। प्रकृति के जैसे हमारे मनोभाव और भावनाओं के अनेक रंग होते हैं। प्रत्येक व्यक्ति रंगों का फुहारा है जो बदलता रहता है। अग्नि के जैसे आपकी भावनाएं आपको भस्म कर देती है, परंतु जब वे रंगों के फुहारे की जैसी होती है तो वे अपने जीवन में आनंद ले आती है। माना जाता है कि भगवान कृष्ण रंगों से होली मनाती थी, इसलिए होली का त्योहार रंगों के रूप में लोकप्रिय हुआ। वे वृंदावन और गोकुल में अपने साथियों के साथ होली मनाते थे। वे पूरे गांव में मजाक भरी शैतानियां करते थे। आज भी वृंदावन जैसी मस्ती भरी होली कहीं नहीं मनाई जाती। होली बसंत का त्योहार है और इसके आने पर सर्दियां खत्म होती है। कुछ हिस्सों में इस त्योहार का संबंध बसंत की फसल पकने से भी है। किसान अच्छी फसल पैदा होने की खुशी में होली मनाते हैं। होली को बसंत महोत्सव या काम महोत्सव भी कहते हैं। पहले होली के रंग टेसू या पलाश के फूलों से बनते थे और उन्हें गुलाल कहा जाता था। वो रंग त्वचा के लिए बहुत ही अच्छे थे क्योंकि उनमें कोई रसायन नहीं होता था। लेकिन समय के साथ रंगों की परिभाषा बदलती गई। आज के समय में लोग रंग के नाम पर कठोर रसायन का उपयोग करते हैं। इन खराब रंगों के चलते कई लोगों ने तो होली खेलना भी छोड़ दिया है। हमें इस पुराने त्यौहार को इसके सच्चे स्वरूप में ही मनाना चाहिए। साथ ही में इस वर्ष कोरोना महामारी ने पूर्ण भारतवर्ष में होली पर पाबंदियां लगा दी है, जिनका पालन करना बेहद ज़रूरी है क्योंकि यह समय की मांग है। आशा है होली आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां लाए। फिर एक बार मेरी
और BCN की पूरी टीम की ओर से आपको होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए BCN न्यूज़। नमस्कार।